पर आपको हिस्ट्री की डेट्स बताएंगे डेट्स आई एम नॉट सेइंग हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट ओके बट हिस्ट्री के लेसन नहीं देंगे कि हिस्ट्री में आपने क्या सीखा बट आपको डेट बताएंगे डेट और वही डेट एग्जाम में आएगी और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे जैसे मुझे अब तक याद है एक एग्जाम्पल मैं देता भी था अपने टॉक्स में कि एक चीज इंडिया में सिखाता है कि वास्को डिगामा इंडिया आए थे ओके वेरी गुड तो कौन से साल में वास्को डिगामा इंडिया आए थे स्कूल में मेरे को अब तक याद है वो डेट 1498 मुझे याद है वो डेट शायद आपको भी याद होगी 1498 कब आए थे 1498 एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब आए थे आंसर लिखो 1498 नाइनटी एट वन मार्क डन तो हम ये रिमेंबर करते हैं डेट अब क्या करें इस डेट का मैं क्यों याद है मेरे दिमाग में फोर्टीन का मैं क्या करूँ फोर्टीन में भी आ सकते थे डगामा जी डगामा जी फिफ्टीन में भी आ सकते थे कोई खास फर्क नहीं पड़ना था 4098 हमें और कुछ नहीं अच्छा आपको आपने, आपको आपने क्योंकि उस टाइम पे ना जीपीएस था ना कोई कम्युनिकेशन था बिजली नहीं थी प्रॉपर मैप्स नहीं थे अकेले तो नहीं आ सकते पूरी टीम आई होगी एक शिप चलाने के लिए तो पूरी टीम को मोबिलाइज कैसे किया होगा

जैसे वास्को डिगामा सी में तीन महीने गया था मैं भी मोटिवेटेड कुछ नया करके दिखाना है मेरे को यू नो ना वी नेवर डिस्कस दिस वी ओनली डिस्कस फोर्टी एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ आउटडेटेड थिंग्स मैं कह रहा हूँ ना अगर आप शुरू करा दोगे तो मतलब ये चलता ही जाएगा पर मैं ज्यादा नहीं एक और आपको बस देता हूँ जोग्राफी राइट अगेन साइंस के बारे में मैंने बहुत बोला है थ्री डीएट्स इंजीनियरिंग सब आपने देखा है ज्योग्राफी में लगता है ज्योग्राफी क्या है यार ये तो ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ठीक ही पढ़ाते हैं

तो ठीक है भाई ऐसी ज्योग्राफी बढ़ाते हैं क्योंकि हमें लगता है ऐसी एक -एक आप मैप व्यू लगा सकते हो सैटेलाइट व्यू लगा सकते हो टेरेन व्यू लगा सकते हो बहुत सारी चीजें कर सकते हो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े महंगे महंगे इक्विपमेंट लो या कोई बड़े मॉडर्न वे में पढ़ाओ मुझे पता है इंडिया की रियालिटी क्या है हर स्कूल के पास इतना बजट नहीं हो सकता लेकिन Google Maps तो लगा सकते हैं ना चलो आज देखते हैं जाके धनबाद देखते हैं कैसा सैटेलाइट व्यू है क्या है पर अभी भी हम तो ट्राइंगल बना रहे हैं बनाया जा रहा है पूरा इंडिया ट्राइंगल बना रहा है जहां पे कोल मिल रहा रहा है है पता नहीं क्यों बना राइट ये माइंड की बात है दुनिया बदल गई है हमारी टेक्स्ट बुक्स नहीं बदली और हमारा माइंड नहीं बदला एजुकेशन के लिए और फिर हम कहते हैं कि ये नई जनरेशन आ रही है इनको क्यों नहीं आता है कुछ

का भैया वास्को की प्रॉपर केस स्टडी बनाओ कैसे आते थे क्या खाते थे क्या रहते थे क्या इंसेंटिव है पुराने जमाने की ऑंटरप्रिप का एग्जाम्पल है बिजनेस कैसे खोल सकता है कोई बंदा बेसिक्स तो सिखा दो लोगों को क्या सिखाए जा रहे हो यार तो इसलिए भी इसका आउटकम है कि हमारे पास सो कॉल्ड बड़े सारे एजुकेटेड इंडियंस हैं लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं है या कम आता है उन्हें दे दे डोंट डोंट नो हाउ टू थिंक हैव कॉन्फिडेंस they don't know what the current world what is going on they don't have the right skills to operate in the current world तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये रियालाइज करना है कि ये हुआ है हम सबके साथ तो इसलिए आपको खुद को एजुकेट करना है खुद समझना है दुनिया में क्या हो रहा है सीखो कोई नई चीज सीखो जिससे आप खुद ही सीखना पड़ेगा स्कूल में नहीं सिखाया आपको कॉलेज में नहीं सीखाया उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको सिर्फ वास्कुट गवा सिखाना आप सीखो नए वे में सीखो और कुछ ऐसा करो जिससे कि आप देश को लिए कंट्रीब्यूट कर सको और खुद भी कमाओ खुद भी अच्छा करो क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम के भरोसे रहोगे तो इट्स डीपली फ्लॉड सो वी नीड टू मेक अप फॉर दिस आउटडेटेड थिंग्स राइट एंड या मीन वाइल कीप रेजिंग योर वॉइस फॉर चेंजिंग ऑफ कोर्सेज एंड हाउ वी टीच थिंग्स बिकॉज आज आपको ऐसे सिखाया गया बीस साल बाद भी बच्चे मैप खरीद रहे होंगे जाके और ट्राइंगल बना रहे होंगे That should not happen, right? Take care.